हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके सीजीएल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 30 डेज का हमारा सीरीज चलेगा, और इस 30 डेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम, एसएससी सीजीएल के एग्जाम जो कि होने वाला है आपका अगस्त के मंथ में, मे बी आपका 11 या 12 को आपका एग्जाम हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम अगस्त में होने वाला है, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम अगस्त में होने वाला है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफी फ्रूटफुल है। तो हम इनको स्टार्ट करेंगे और इनको हम कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, और आपको वहां पर मैं तरीके भी बताती चलूंगी कि आपको जब ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और है, जब भी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप किस टॉपिक को हमेशा सेलेक्ट करेंगे प्रैक्टिस के लिए, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, अगर एरर डिटेक्शन की मैं स्पेशली बात करूं तो। ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो चलो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि क्या एरर हो सकता है और हमें क्या, कैसे, किस तरीके से हमें अपने एरर को फाइंड आउट करना है, तरीके क्या है। क्योंकि हर टाइम में हम क्या करते हैं, जब भी एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है हम उसकी हिंदी निकालने में पूरा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। आपने ग्रामर पूरे साल पढ़ा और आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो ग्रामर नहीं देखते हैं, वहां पर क्या देखने लगते हैं, हिंदी सही लग रही है कि नहीं सही लग रही है। अगर नहीं सही लगती है तो आप उसको, आपको लगता है कि ये बस करो, यहीं पर एरर है। ये गलती एग्जाम में आपको नहीं करना है, आपको देखना है कि आपका कंसेप्ट वहां पर जो आपने पढ़ा है पूरे साल वो वहां सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये चीज अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होने की उम्मीद है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्ट होंगे आपके। इस क्वेश्चन की बात मैं अगर करूं तो यहाँ जो क्वेश्चन है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम, बैफलिंग यानी कंफ्यूजिंग पजलिंग जो चेंज मैं देख रही हूँ, आई नोटिस इन हिम, मैंने उसमें जो देखा है, नाउ आर डेज, नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, यानी कि दीज डेज, मैं आजकल जो उसमें कंफ्यूजिंग सा चेंज देख रही हूँ, इज दैट ही अवॉइड, वो अवॉइड कर रहा है टू स्पीक टू मी, मुझसे बात करने को। आपने पूरे साल आपने ग्रामर में कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अवॉइड यानी कि इग्नोर करना, ये अवॉइड करना ये इग्नोर करना किसी को, है ना, लव करना, एंजॉय करना, ये सारे हमारे स्टार्टेड एक्शन होते हैं, यानी कि इन एक्शन को हम एक बार दो बार करते हैं, दोबारा करते हैं और बहुत बार करते हैं अगर हमें इसको अच्छा लग रहा है तो, यानी कि कंटिन्यू रहता है ये एक्शन हमारा, इसको स्टार्टेड एक्शन बोलते हैं। सो अवॉइड के साथ में जब भी अवॉइड वर्ब्स के साथ में, इग्नोर के साथ, लव के साथ, एंजॉय के साथ कोई भी वर्ब अगर आएगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगी, जेरेंड फॉर्म में रहेगी। ठीक है, जेरेंड फॉर्म में हमेशा हम यूज करते हैं, यानी इनके बाद, इन वर्ब्स के बाद हमेशा सीधा क्या आता है, जेरेंड आता है। सो नाउ अ डेज इज दैट ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी, स्पीकिंग टू मी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये जो यहां पर प्रॉब्लम है, आपको ये समझना है कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। नाउअडेज इज दैट ही अवॉइड, वो कर रहा है मुझसे, क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, तो अवॉइड एक बार तो करेगा नहीं, अवॉइड करेगा तो 2-3 बार करेगा, लगातार अवॉइड करेगा, और इसके साथ में कभी भी इन्फिनिटिव का यूज नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे एक्शन जो क्या होते हो, जो अनस्टार्टेड होते हो, जैसे कि डिसाइड करना क्या है, अगर मैं बोलू आई डिसाइडेड Not to call him, मैंने decide कर लिया उससे ना बात करने को, उसके पास ना call करने को, तो यहां पर ये जो decide वाला action है ये unstarted action है, मतलब अभी शुरुआत भी इस action की नहीं हुई है। तो जिस action की शुरुआत ना हुई हो, खाली हम उसके बारे में सोच रहे हो, तो वहां आपका verb infinitive form में आता है, infinitive यानी 2+V1, और आपका जहां पर हम बात कर रहे हैं स्टार्टेड एक्शन की, तो वहां हमेशा हम जेरेंड यूज करते हैं। ठीक है, और इन्फिनिटिव आपका वर्ब नहीं होता, ये हमेशा आपका नाउन होता है, और जेरेंड भी आपका नाउन होता है। तो यहां ध्यान से इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। बढ़ेंगे आगे हम, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, पॉवर्टी
गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो है, एक सब्जेक्ट ये हुआ हमारा, और दूसरा वाला सब्जेक्ट हमारा ये है। इज दैट टू साइड्स, दो सब्जेक्ट है। अगर ये दो सब्जेक्ट है तो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि जरा ध्यान से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस को जरा ध्यान से, पूरा आपको सेंटेंस पे नहीं जाना, आपको बस चेक करना है कि एरर कहां बन सकता है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज तो सिंगुलर है और हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, क्योंकि सब्जेक्ट दो है और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दो यानी दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो आर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ब भी हमारी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कंसर्न्स आर बीइंग रेज्ड ओवर द गवर्नमेंट प्लान्स, ऐसा चिंता जताया गया गवर्नमेंट के प्लान पर, टू द रीलोकेटिंग चीतास इन इंडिया। टू के साथ में हमेशा वी वन आएगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू रीलोकेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीलोकेट हो जाएगा, ठीक है। टू के साथ इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर है। तो इस तरीके से कहने का सेंस यही है कि आप सेंटेंसेस को एक बार स्कैन करिए और आपने जो साल भर कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर ज्यादा फोकस करिए, रादर देन आप पूरी मीनिंग्स निकालने में लग जाते हैं जिसमें आपका टाइम चला जाता है और आपके वहां पर सेंटेंसेस, आपके एरर्स वहां पर गलत हो जाते हैं। Children in orphanages receive neither proper care nor protection. अब children क्या है, plural है, और अगर ये plural है तो यहां पर आप देखेंगे receive, ये भी क्या है, plural verb है receive, अगर ये receives होता तो ये singular बन जाता, ये आपका plural verb है, मतलब यहां तक की बात हमारी ठीक ठाक है। Neither proper nor protection, neither proper care nor protection। अब आप जानते हैं नीदर के साथ हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉर आता है और ईदर के साथ क्या आता है, और आता है, और दोनों हमारे जो है सेम पार्ट ऑफ स्पीच के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो प्रॉपर केयर ये भी आपका यहाँ पर नाउन हो जाता है, दोनों आपके नाउन है, और ये भी प्रोटेक्शन भी क्या है, नाउन है, और ये दोनों कनेक्टेड है किससे, कोरिलेटिव कंजंक्शन नॉर से जो कि नीदर के साथ आता है। तो ये इतना ही आपको चेक करना है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है आपका एकदम करेक्ट है, देयर इज नो एरर। इट इज ऑफन सैड दैट चेंज हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर बीइंग अ क्राइसिस, ऐसा माना जाता है कि चेंज तभी होता है, बदलाव तभी होता है, कब होता है, व्हेन देयर आर बीइंग अ क्राइसिस, जब कोई क्राइसिस हो जाता है तब जाकर के कोई चेंज होता है। क्राइसिस, अ क्राइसिस, ये आपका यहाँ पर ये क्राइसिस क्या है, नाउन है। अब आप कहेंगे कैसा नाउन है, तो ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल क्या होता है, क्राइसिस होता है, सी आर आई एस ई एस, क्राइसिस होता है, प्लूरल क्राइसिस है और सिंगुलर क्राइसिस है। अगर ये सिंगुलर है, पहली बात तो ये है सिंगुलर ये है, दूसरी चीज ये है कि इट के साथ में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और देयर के साथ में हमेशा आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी क्या, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, इतनी बातें करेक्ट है। सो व्हेन देयर आर बीइंग अ क्राइसिस, आ क्राइसिस तो आपका सिंगुलर नाउन है, तो यानी कि वर्ब भी यहां पर क्या होनी चाहिए, देयर के साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, यानी इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। अब आप देख ही रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितना ज्यादा इस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में है, देखने को मिल रहा है। तो यानी कि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा आप फोकस करिए उस पर, ठीक है। एवरीवन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस करप्शन, एवरीवन सेक्शन, ये आपका सेकंड है, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये आपका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट में है आपका नो एरर, ठीक है, नो एरर है फोर्थ पार्ट में, फटाफट से बताइए, आप लोग भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एवरीवन सेक्शन, एवरीवन क्या है आपका प्रोनाउन है और सेक्शन क्या है नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं कभी भी, अगर इस तरह से सेंटेंस दिया हुआ है तो आप गलत वहां पर कर देंगे, बिल्कुल ये सही नहीं होता है, प्रोनाउन और नाउन साथ में नहीं आ सकते हैं। एवरी वन को आप यहाँ पर क्या करिए, एवरी कर दीजिए, ये आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि एवरी हमेशा एडजेक्टिव होता है और सेक्शन यहाँ पर नाउन है, तो ये जो एवरी है इस सेक्शन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा,
एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज फीलिंग द पिंच ऑफ राइजिंग प्राइसेस करप्शन. हमें ये कॉन्सेप्ट यहाँ से मिला कि कभी भी हम नाउन और प्रोनाउन को एक साथ में यूज नहीं कर सकते. हाँ, आपका नाउन एडजेक्टिव जरूर बन सकता है. ठीक है, चलिए बढ़िया बढ़ेंगे आगे हम. द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक एंड फॉर्मड एन इंक्वायरी कमिटी हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स. यूनिवर्सिटी ने ऑर्डर भी किया. अब यहाँ आपको लगेगा, देखिए हैज क्या है, हैज आपका परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, इसके साथ में वर्ब ही थर्ड फॉर्म आई है. एन इंक्वायरी, आपने पढ़ा है कि इंक्वायरी के साथ में कभी भी आपका क्या आता है, इंटू नहीं आता है. लेकिन आप जानते हैं कि हम वर्ब में नहीं इंटू लगा सकते हैं. जब भी इंक्वायरी आएगा तो वर्ब में इंटू नहीं लगेगा. लेकिन अगर इंक्वायरी आपकी नाउन है, अगर आपका इंक्वायरी क्या है, नाउन है, तो हम वहां पर इंटू प्रेपोजिशन लगा सकते हैं. बेसिकली वर्ब के साथ इंटू नहीं आएगा. अगर इंक्वायरी आपका वर्ब है तो इंटू नहीं लगाएंगे. लेकिन अगर ये नाउन है तो यहाँ पर हम इंटू का यूज कर सकते हैं इसके साथ में. अब यहां हमें कैसे पता चला ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है. द लीक एंड फॉर्मड एंड इंक्वायरी, यहां भी इंक्वायरी आपका क्या है, नाउन है. कमिटी हु विल, अब आप बताइए एरर क्या हो सकता है. थोड़ा सा टफ है बट जरूर फाइंड आउट करिए. हु आता है यहां पर पर्सन के लिए. ठीक है, पर्सन के लिए हम हु का यूज करते हैं. लेकिन यहां कमिटी दिया हुआ है. कमिटी आपका, कमिटी एक नाम है. अगर यहाँ मेंबर्स ऑफ कमिटी की बात हुई होती तो यहाँ पर्सन होता और पर्सन के लिए हम हु का यूज कर सकते थे. लेकिन केवल कमिटी है तो हम यहाँ पर हु का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स के लिए हम विच का यूज करते हैं. अब यहाँ देखो, एन इंक्वायरी कमिटी, यहाँ हु हमारा क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन गलत था. तो यहाँ क्या होना चाहिए था, विच होना चाहिए था. जैसे कि अगर फैमिली है कहीं पर, है ना, फैमिली है, पीपल है, तो अगर यहाँ पर मेंबर्स की बात हुई है तो आप हु का यूज कर दीजिए. लेकिन अगर मेंबर्स की बात नहीं हुई है तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे. ठीक है, बढ़ेंगे आगे. तो हमारा वहां पर एरर था, हु नहीं विच होना चाहिए था. हैविंग हर्ड ऑल दी, हैविंग हर्ड हर्ड ऑल दी एविडेंस, ऑल दी एविडेंस, अगर एविडेंसेस होता तो गलत हो जाता. क्योंकि एविडेंस क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है विद सिंगुलर वर्ब. द चेयरमैन शुड नाउ बी एबल टू अराइव टू अ फेयर डिसीजन. क्या होना चाहिए एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको ध्यान में रख करके आप लोग एरर्स मुझे बताएंगे. द चेयरमैन शुड नाउ बी एबल टू अराइव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एकदम सही है यहाँ पर. टू अ फेयर डिसीजन, अराइव के साथ में कभी भी प्रेपोजिशन टू नहीं आता है, हमेशा क्या आता है, एट आता है. अराइव एट कंक्लूजन, अराइव एट अ डिसीजन, हमेशा हम अराइव के साथ में एट प्रेपोजिशन का यूज करते हैं. तो यहां क्या होना चाहिए था, टू अराइव टू नहीं, टू अराइव एट होना चाहिए था. ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम. द कोर्ट हैज आस्क्ड द अथॉरिटीज टू टेक एप्रोप्रिएबल स्टेप्स टू रिस्टोर नेचुरल वाटर रिसोर्सेज so that the water shortage problem in the state may be solved. इतना बड़ा सेंटेंस है, एग्जाम में ऐसे दे दिया जाए तो हम तो पहले कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि इतने बड़े सेंटेंस की हिंदी मीनिंग आपको निकालनी है. लेकिन ग्रामर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थोड़ा सा उस पर भी फोकस करके आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे. अगर मैं लाइन से क्वेश्चंस को पढ़ती चलूं, द कोर्ट हैज आस्क्ड, कोर्ट ने कहा, पूछा, ये हैज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब है, इसके साथ में जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म में आती है, आस्क्ड होना चाहिए था. द अथॉरिटीज टू टेक एप्रोप्रिएबल स्टेप्स, यानी कि उनको एक एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, टू रिस्टोर नेचुरल वाटर, रिस्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए नेचुरल वाटर्स को, सो दैट द वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम, जो वाटर की कमी है, वाटर प्रॉब्लम की जो कमी है इन द स्टेट, मे बी सॉल्व, जिससे वो चीजें क्या हो पाए, सॉल्व हो जाए. ठीक है, 10th question is, since his arrival at his native town, जब से वो अपने native town पे आया है, जहां वो पैदा हुआ था, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. Poor masses का मतलब होता है गरीब लोग जो है, उनके लिए वो क्या कर रहा है, जब से वो आया है तब से वो अच्छा education impart करने की वो कोशिश कर रहा है, देने की कोशिश कर रहा है.
ठीक है, ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ दिस पार्ट. आपने कॉन्सेप्ट ग्रामर में तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक रिवीजन क्लास है. आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्रामर में कि सिंस का यूज और फॉर का यूज हम दो टेंसेस में करते हैं. एक तो हमारा परफेक्ट टेंस होता है और दूसरा क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस में और परफेक्ट टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. परफेक्ट हम तब करेंगे जब बोलने के समय हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम वहां पर सिंस फॉर के साथ परफेक्ट सेंटेंस यूज करेंगे. लेकिन बोलने के समय अभी भी एक्शन कंटिन्यू है, यानी कि चल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे. अब यहां पर जब से वो आया है तब से वो एजुकेशन इंपार्ट करने की कोशिश कर रहा है पुअर मासेस में, तो यानी कि एक्शन अभी भी क्या है, कंटिन्यू है. और अगर कंटिन्यू है तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस यूज करेंगे. और ये जो हमारा यहाँ पर आगे का है सेंटेंस, ये किसमें है, ये प्रेजेंट में है. तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी इज ट्राइंग नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन ट्राइंग होगा. ठीक है, हैज बीन ट्राइंग होगा, क्लियर है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एकदम एग्जाम में ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, और बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे, और आपको इतनी कंफ्यूजन होगी कि आप सेंटेंसेस की वहां हिंदी मीनिंग निकाले या आपने जो साल भर पढ़ा है ग्रामर की कॉन्सेप्ट को वहां पर वो आप अप्लाई कर पाए. तो सबसे पहली चीज है कि आप अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे, इन्फिनेटिव जेरेंड को देखेंगे, उसके बाद आपने जो अदर ग्रामर के कॉन्सेप्ट पढ़े उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. ये ऐसी एक ऐसा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में. तो इस टॉपिक से आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, इतना आपके लिए है. ये आपका आज का लेक्चर हुआ. हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम से एकदम रिलेटेबल होंगे. ठीक है, बहुत ही बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक का हम जो है डिस्कस करेंगे आपसे. थैंक यू सो मच.